अच्छा कमल के फूल में थे, बोलिए परीक्षित महाराज। अच्छा कमल के फूल में थे, बोलिए परीक्षित महाराज की। ब्रह्मा जी ने तपस्या की, प्रभु ने चतुर्भुज रूप का दर्शन दिया, विधाता नाम की संज्ञा दी। परमात्मा ने ब्रह्मा के अहंकार को खींच लिया क्योंकि सत्ता का ज्ञान दे दिया। उसके बाद ब्रह्मा ने कहा भगवान सृष्टि रचाऊं कैसे, पृथ्वी तो है ही नहीं। सोच में बैठे हैं बिल्कुल चिंतातुर होकर के, एकदम से ब्रह्मा को छींक आई। जब हम चिंतन करेंगे बैठ करके, प्रभु के नाम का गुणगान करेंगे बिल्कुल शांत भाव से, तो वो हमारी हर समस्या का समाधान करेगा। लेकिन उसके चरणों में विश्वास होना चाहिए हमें। ब्रह्मा को छींक आई, नाक से नासा छिद्र से एक बारह बालक निकला, बहुत छोटा सा, और देखते ही देखते वो तो क्षण भर में बहुत विशाल बन गया। बोलिए बारह भगवान की। ये मेरे परमात्मा का दूसरा अवतार है, बारह अवतार। पृथ्वी त्रिलोकी को लेकर के समुद्र में डूब गई थी, अब उसको लाने के लिए तो प्रभु को अवतार रखना ही पड़ेगा। जल में प्रवेश कर गए, पृथ्वी को अपनी दृष्टिताओं पर रख करके ऊपर आ रहे थे। तो पहले कुछ ऐसा नियम था, जैसे आज जहाज उड़ते हैं ना आसमान में, ऐसे पहले लोग उड़ा करते थे सामर्थ्यवान। सामने से देवऋषि नारद आ रहे थे, इधर से हिलाक्ष जा रहा था। परीक्षित ने पूछा भगवान ये हिरणाक्ष हिरण्यकश्यप है कौन, मेरी समझ में नहीं आता, जब पृथ्वी थी नहीं तो ये कहां से आ गया। बोले सुनो, ये हिरण्यकश्यप हिरण्यकश्यप कोई साधारण इंसान नहीं है, ये जय विजय भगवान गोविंद के यहाँ वैकुंठपुरी में द्वारपाल थे। एक बार गोविंद के सनत कुमार जो चारों भाई पहले अवतारे हैं मानस पुत्र, वो दर्शन के लिए गौलोक धाम में गए तो दोनों जय विजय ने दरवाजे पे रोक लिए। बोले सुनो, बिना हमारे आदेश के तुम अंदर नहीं जा सकते। बोले क्यों नहीं जा सकते भाई, अरे हम अपने पिताजी के दर्शन को जा रहे हैं। बोले हम जो बोल रहे हैं उस बात को सुनो, तुम्हारी क्या मजाल जो हमारे बिना पूछे। संत को क्रोध नहीं करना चाहिए, क्रोध विनाशकारकम, दया बिनु संत कसाई। जय विजय तो अपने कर्तव्य का पालन कर रहे थे क्योंकि प्रभु का आदेश था, बिना मेरे पूछे कोई प्रवेश न कर जाए। उन्होंने रोका, बोले प्रभु हम भगवान से पहले पूछ के आते हैं, अगर उनकी आज्ञा मिलेगी तो आप अंदर चले जाना। बोले हमको रोकता है, इतना श्रेष्ठ हो गया, इतना जा राक्षस हो जा, श्राप दे दिया। बताओ, वो तो अपने कर्तव्य का पालन कर रहे थे, सेवा कर रहे थे अपने प्रभु की, लेकिन श्राप जो बोली निकल गई वो निकल गई। अभिमान करने से बैकुंठ में प्रवेश नहीं मिला, लेकिन गोविंद दर्शन देने दरवाजे पर ही आ गए झगड़ा सुन करके। थोड़े से क्रोध करने से बैकुंठ में प्रवेश नहीं मिला, इतना तो दंड तभी मिल गया क्रोध का। अब दोनों जय विजय ने हाथ जोड़ करके कहा भगवान हमसे गलती हो गई, क्षमा करो, लेकिन हम बिना प्रभु के चरणों के एक क्षण कहीं नहीं रह सकते। इसमें कुछ सुधार। बोले हाँ हो सकता है, आप राक्षस बन के जाओ तो तीन जन्मों तक पृथ्वी पर रहो, उसके बाद आके पुनः प्रभु से मिलना, और अगर देवता बन के जाना चाहो तो सात जन्मों तक दूर। बोले महाराज हमें तो राक्षस ही बना दो, जल्दी राक्षस बड़े है जाएं, जल्दी राक्षसता करेंगे दुष्टता करेंगे तो हमारा पतन जल्दी होगा और हम प्रभु के यहाँ। पहले जन्म में ये माता द्विती के गर्भ में आई दोनों। एक दिन वैसे तो कश्यप भगवान की 13 पत्नियां हैं, लेकिन इनमें श्रेष्ठ दो ही पत्नियां मानी जाती हैं, दति और अदिति। अदिति मैया के हुए देवता और दति मैया के हुए राक्षस। वो क्या है, बड़ी थी दति, अदिति मैया ज्यादा सेवा किया करती थी, दति बड़ी थी घमंड में रहती थी, अपनी छोटी बहन से खुद अपने भी हाथ पर दबाती थी। चल पानी ला, चल खाना लगा, चल मेरा बिस्तर लगा, चल मेरे पैर दबा, छोटी बहन बेचारी करती रहती थी। लेकिन आज की कोई जेठानी की सेवा देवरानी कर लेगी? अगर देवरानी तक कब जेठानी ने नौके दी ना कि एक गिलास पानी लियो, छुटिया मंटा था कि मोते कसी ज्यादा बड़ी घर की बेटी है क्या है नकटी देव पर कैसा ऑर्डर चला रही है। लेकिन वो मैया करती थी अपनी जेठानी की सेवा। एक जेठानी है और एक रूप में वो बहन है।
शाम का समय था, कश्यप भगवान आए, मैया दिति के शरीर में काम वास कर गया। मैया की उत्तेजना को देख करके कश्यप भगवान ने कहा, देवी ये संभोग के लिए समय उचित नहीं है, क्योंकि इस समय मरुद गणों के साथ में मेरे भगवान भोले बाबा विचरण कर रहे हैं। लेकिन मैया का उद्देश्य शांत न हुआ, माता की इच्छा को पूर्ण करते कश्यप भगवान ने कहा, दिति तेरे गर्भ से दो पुत्र होंगे, दोनों ही राक्षस होंगे, क्योंकि ये संध्या बंधन का समय था। इस संध्या बंधन के समय में ये तो पशुओं का कर्म है जो जंगल में वास करते हैं, उनको समय की कोई आवश्यकता नहीं। माता की इच्छा शांत होते ही माता को अपनी गलती का एहसास हुआ, हाथ जोड़ करके बोली, भगवान मेरे गर्भ में दो पुत्र आएंगे, दोनों राक्षस होंगे, इसका कोई उपाय? बोले हाँ, बड़े बलवान होंगे, परमात्मा के हाथों से उनका कल्याण होगा। तो बोली, कोई बात नहीं, मैं जन्म ही नहीं दूंगी इनको जो मेरे पुत्र राक्षस होंगे। तो 100 वर्षों तक माने गर्भ में रखा, ऋषि पत्नियां ही सामर्थ्यवान थी, लेकिन फिर भी जिसने गर्भ में वास किया उसको आना तो पड़ेगा। वही हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु बनकर के आए, आसमान मार्ग से जा रहे थे, सामने से देवऋषि नारद आ रहे थे, तो नारद को पकड़ लिया हिरण्याक्ष ने, इधर आ बाबा। बोले क्या है? बोले ये बीलाई बजाता रहता है, कुछ लगड़ना झगड़ना भी आता है। बोले श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण, बस हम तो भगवान का भजन करने वाले हैं भैया, लड़ाई झगड़ा हमारा, अरे लड़ाई झगड़ा काम हो या ना हो मेरी बाजियों में खुजली होती है, मुझसे युद्ध करना ही पड़ेगा। बाबा बोले काहे को करना पड़ेगा भाई, अरे हम जब कह रहे हैं हमारी बाजियों में खुजली है। अब नारद बाबा ने कहा, भाई ये तो खाम खा को झंझट है। हाँ, अब एक पड़ोसन ने अपने दरवाजे पर झाड़ के दूसरी पड़ोसन के दरवाजे पकड़ दो कूलो इकट्ठो, चूंकि लड़बे के मन में आ रही है, बिना लड़े रोटी हजम ना हो, रोज लड़बे की आदत, आज कहो तो लड़ाई ना है भाई, तो रोटी खाबे को मन ना करो। बोले अब लड़ू कैसे, कोई बहाना ना मिल लो, अब बहाना ढूंढो, अपने दरवाजे से झाड़ के कूलो दूसरे के दरवाजे पकड़ दो। पड़ोसन निकल के आई, अरे तेने जीव का करो, सोई कछोटा काछ लो, वो तो कह रही है मैंने करो है। अब जय बात पर नेक्स्ट बात पर लड़ाई बेमतलब में हिरण्याक्ष ने पकड़ लिया, लड़ना पड़ेगा। नारद ने कहा, क्यों लड़ना पड़ेगा, हम नहीं लड़ते। बोले नहीं लड़ता है तो किसी बलवान का नाम बता। नारद मुनि ने कहा, नीचे जाओ, जल से एक बाला पृथ्वी को लेकर के आ रहा होगा, उससे लड़ना बेटा, ऐसी खुजली बाजियों की मिटेगी जो जीवन में दोबारा। अब नीचे आया और जो परमात्मा आ रहे थे पृथ्वी को लेकर के, तो हिरण्याक्ष ने कहा कि अब इससे भाई कैसे लड़ा जाए। सामने गदा लेकर के खड़ा हो गया, मेरे प्रभु ने गर्दन झुकाई, दूसरी रास्ता से चल दिए, उस रास्ते पर जाके खड़ा हो गया, फिर प्रभु ने गर्दन झुकाई, दूसरे रास्ते से चल दिए। लेकिन जहां भी जाते हैं गोविंद, वहीं जाकर के पापी सामने खड़ा हो जाता है। परमात्मा ने कहा, भाई अब तो इसका कुछ इलाज करना ही पड़ेगा। एकदम से प्रभु ने कहा, भैया तुम चाहते क्या? बोले मुझसे युद्ध कर, इसको कहां ले जाते, ये पृथ्वी तो मेरी है। बोले तेरी काय को भाई, मैं तो त्रिलोकी को नीचे समुद्र से लाया हूँ। बोले मी तो ले गया था इसको वहां, मेरी चीज को मुझे दे। बोले नहीं, इसका तो सृजन करना है, सृष्टि का रचना होनी है सृष्टि की, ये तो मेरी पृथ्वी है, मुझे दे। अब जबरदस्ती भगवान फिर बच के निकलने लगे, सो हंस के बोलो, हाँ हाँ हमसे युद्ध कैसे करेगा है? हम कश्यप नंदन हिरण्याक्ष बड़े बलवान हैं, हमारे सामने किसकी सामर्थ, और तू तो एक जंगली जानवर, तेरी औकात क्या है? गाली देने लगा प्रभु को। भगवान ने कहा, अब तो भाई ये हद से गुजरने लगा। तो प्रभु ने भी हंसकर को अनुकूल जवाब दे दिया, हाँ भाई जी आपने जो कहा वो बात सत्य है, हम तो जंगली जानवर ही हैं, लेकिन बेटा हम तो जैसे ग्राम सिंहों को ढूंढते रहते हैं। हंस करके मेरे गोविंद ने उल्टा जवाब दे दिया, ग्राम सिंह कहते हैं कुत्ता को, गाम का शेर। भाई भगवान को उसने बताया जंगली जानवर, तो प्रभु ने उसको कह दिया गाम का शेर कुत्ता। तो योग तुम से गदा लेकर के दौड़ा, हमको कुत्ता बोलता, भगवान ने कहा तू हमको जानवर नहीं बोलता था क्या? एकदम से गदा लेकर दौड़ा, दोनों में संग्राम चालू हो गया। युगों युगों तक युद्ध चलता रहा, मेरे प्रभु खिलवाड़ करते रहे। बहुत समय के बाद में परमात्मा ने अपने चक्र से दर्शन से
सर को धड़ से अलग कर दिया। बोलिए गोविंद भगवान। अच्छा एक बात बताएं, हिलाक्ष कौन है? लोभ। हिलाक्ष को लोभ बताया जाता है। काम आपको दिखाई देता है, क्रोध आपको दिखाई देता है, लेकिन लोभ किसी को दिखाई। जिस इंसान के शरीर में काम वास कर गया हो उसका चेहरा बता देता है कि इसके ऊपर काम का असर है। जिसको क्रोध आ रहा हो उसका मुखारविंद बता देता है कि इसको क्रोध है, लेकिन लोभ किसी को दिखाई नहीं देता। हिलाक्ष को लोभ बताया जाता है। पृथ्वी को अभिमान हो गया, अरे मैं रसातल में क्या चलेगी, मुझे लाने के लिए परमात्मा को बार बार अवतार लेना पड़ता है। भगवान ने कहा अब लो एक अभिमानी को मार के आए, पृथ्वी को भी अभिमान हो गया। तो सबसे पहले दर्शन मेरे प्रिया प्रीतम गोविंद ने पृथ्वी को श्रीधाम वृंदावन का कराया, जहाँ पर हरे भरे वृक्ष खड़े हैं, मोर पपिया खग वृंद अपनी मीठी ध्वनि में स्वर में गीत गा रहे हैं, जहाँ की सुंदर वायु वातावरण है, बिल्कुल स्वर्ग वैकुंठ जैसा स्थान बना हुआ है। आज जो पृथ्वी ने देखा, बोले भगवान मैं तो रसातल में चली गई थी, ये कैसे? बोले देवी पूरे संसार का पलक हो जाता है, लेकिन मेरे श्री धाम वृंदावन का कभी पलक नहीं होता। धन धन वृंदावन रजधानी, धर्म कर्म जहां बटत जेवरी, मुक्त भरत तहां पानी, धन धन वृंदावन रजधानी। पृथ्वी का अभिमान चूर्ण किया, ब्रह्मा को लाकर के पृथ्वी दी, सृष्टि का सृजन करो। ब्रह्मा ने अनेकों जीवों को प्रकट किया, जो जन्म लेता है सनस्य बलम गच्छन्ति बल को चला जाता है। अंत में ब्रह्मा ने सोचा अब तो करना ही पड़ेगा, और एक जीव एक शरीर को पैदा किया ब्रह्मा ने। शरीर एक है, जीव दो है, दाया अंग पुरुष का है, बाया अंग स्त्री का है। दाएं अंग में स्वयंभू मनु महाराज, बाएं अंग में शत्रुपा, उन दोनों को अलग किया, फिर उनका विवाह किया। विवाह होने के बाद में इनको आदेश दिया आप सृष्टि का सृजन करो, सृष्टि की रचना करो, संतान को आगे बढ़ाओ। मनु महाराज के दो पुत्र हुए उत्तानपाद और प्रियवत, तीन बेटियां हुई देवहूति आकुति और प्रसूति। अब भगवान सुखदेव धर्म वंश का वर्णन कर रहे हैं। एक पुत्र है उत्तानपाद जो अयोध्या के राजा हैं, जिनके एक रानी है जिसका नाम है सुनीति, जिसके गर्भ से कोई संतान नहीं हुई, बहुत समय निकल गया। अब राजा का चौथापन आ गया, वेद ब्राह्मणों ने आकर के कहा भगवान आप अपनी दूसरी शादी कर लो अन्यथा तुम्हारा वंश डूब जाएगा। राजा ने कहा मेरी रानी मुझे प्राणों से प्यारी है, सुनीति सुरधन नीति, जो सबकी नीति में काम करे वो सुनीति लक्ष्मी थी, मैं अपनी रानी को त्याग नहीं सकता। क्यों? सौत चून की बुरी हो, ऐसा कहते हैं सौत चून की बुरी, और मैं अपनी रानी के लैया अगर ऐसी कोई सौत ला करके रख दूं तो मेरी लक्ष्मी देवी जैसी रानी का अपमान हो जाएगा, इसको ठुकरा देगी। बोले नहीं महाराज, अपनी संतलता आगे बढ़ाने को। अब रानी ने ये बात सुनी, हाथ जोड़ करके पिया के पैर पकड़ लिए, बोली नाथ मैं कसम खा के कहती हूँ अपनी छोटी बहन से कभी कुछ नहीं कहूंगी, तुम अपनी दूसरी शादी कर लो। बहुत मना किया राजा ने, देवी सौत चून की बुरी हो है, तू काय को अपने रस में विष मिलावे डोल रही है, अरे तेरी गर्भ से संतान हो न हो मैं इसी पर संतुष्ट हूँ। बोली नहीं नाथ, आप दूसरी शादी कर लो। राजा ने बहुत समझाया, बड़े बड़े उपदेश दिए। उस खेत में पैदावार नहीं, राजा ने समझाया रानी तू पागल मत बने, अगर मैंने दूसरी शादी कर ली तो तेरा जीवन बेकार हो जाएगा, दूसरी रानी आकर के अपना अधिकार जमा लेगी, तुझे घर से बाहर निकाल देगी या फिर तुझको दासी बन के रहना पड़ेगा। उस खेत में पैदावार नहीं और जिसमें कि कांस हो जाता है। राजा ने समझाया देवी अब भी मान जा। बोली नहीं मानूंगी, शादी करो दूसरी।
उस रानी के गर्भ से पुत्र होगा, उसको मैं खिलाया करूंगी, तुम्हारा नाम आगे बढ़ेगा, भगवान शादी करो। राजा ने बहुत समझाया, देवी अब भी मान जा। उस खेत में पैदावार नहीं और जिसमें के कास हो जाता है, और जिस घरों में सौत का आना हो करे विनाश हो जाता है। राजा ने समझाया, देवी अब भी मान जा। उस खेत में पैदावार नहीं जिसमें कि कास हो जाता है, जिस घर में सोती रहे वो घर हर तरह नाश हो जाता है। बोले सच्चिदानंद भगवान की। राजा ने समझाया, देवी मान जा। श्रुति ने कहा नहीं मानूंगी। अब राजा ने अपनी दूसरी शादी की। बहुत सुंदर कन्या है जिसकी मोटी मोटी आंखें हैं, बहुत सुंदर कन्या है जिसका नाम है सुरुचि, और सुंदर बहुत रूप में सुंदर है, और कितनी सुंदर है। उस चंद्रवती की चंद्र छटा और चंद्र को चकित कर जाती है। इतनी सुंदर थी सुरुचि, सुरधन उरुचि, जो अपनी रुचि में मस्त रहे, जो माया का रूप है, जिसकी समेत चमड़ी है, भूरी है, गोरी है, जिसको देख करके राजा मोहित तो हो गया, पहली रानी को भूल गया, क्योंकि वो सामली थी। भक्ति काली होती है, माया गोरी होती है। उस चंद्रवती की चंद्र छटा और चंद्र को चकित कर जाती है, उजली सी मुख वाली आवा बिजली का मान घटाती। याद रखना मेरे भगवत प्रेमी, और सुरुचि का इतना सुंदर रूप है, जो बहुत गोरी है, तंदुरुस्त है, बहुत रूपवती है। राजा उसके ऊपर पागल हो गए, दीवाने हो गए, पहली रानी को दासी बना दिया, काग बनाने के लिए चली जा, नौकरानी बना दिया। और कितना सुंदर रूप है सुरुचि, जब आंगन में घूमती है ना, तो राजा दरबार को जाना भूल गए, अपनी रानी के प्यार में इतने अंधे हो गए, इतने दीवाने हो गए, दिनों रात रानी को ही देखते हैं, बड़ी सुंदर है। और जब आंगन में चलती है सुरुचि, तो पीछे पीछे घूमता है राजा। बैया लचपची है गोरी की, कंबर जाकी लहराती है, जिसके ही रूप को देखे जो देवों को मूर्छा आती है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। जय जय श्री राधे। देवता भी मोहित हो जाते हैं, इतना सुंदर रूप सुरुचि का। अब पहली रानी दासी बन गई, बेचारी काग बनाने लगी। एक दिन रात्रि में रानी अपने मन में सोच रही है, मुझे ऐसा पता नहीं था कि मेरी सौत आकर के मुझे घर से निकाल देगी। लेकिन बड़ी रानी बहुत प्रेम करती है छोटी रानी से, लेकिन छोटी रानी उसको धक्का दे के बाहर चल, बाहर चल, दरवाजे में अंदर क्यों आती, तेरे से बदबू आती है, हट बाहर रह। गोबर कूड़े पर रहने लगी बेचारी। अब एक दिन आधी रात का समय उसने सोचा कि अब ऐसी जिंदगी से जीना अच्छा नहीं है, मरना ही अच्छा है। लेकिन फिर भी पत्नी थी, पतिव्रता,
पति की सेवा में उसका बहुत मन लगता था। आधी रात के समय उसने सोचा कि पति को न बता करके मैं अपना प्राणांत कर दूं, और मन ही मन सोच रही है, हे पति देव मुझे क्षमा करना, आज मैं वो करने के लिए जा रही हूँ वो जो मैंने जीवन में आज तक तुमसे बिना पूछे नहीं किया, लेकिन आज मैं बिना पूछे ऐसा करने जा रही हूँ जो आज तक किसी स्त्री ने न किया। रोती जा रही है आज सुनीति और मन ही मन में रो रो करके कह रही है, मोए याद पिया तेरी आए रही है मैं तो जाए रही हूँ, मोए याद बलम तेरी आए रही है मैं तो जाए रही हूँ, आज सुनीति जा रही है आधी रात का समय है और हाथ जोड़े जा रही है, आंखों से आंसू झरझर टपक रहे हैं, हे कंत मुझे क्षमा करना, मैंने पूरे जीवन तुमसे बिना पूछे कुछ नहीं किया, लेकिन आज मैं बहुत बड़ा पाप करने जा रही हूँ। सुरलोक में बासु बनाऊं देवलोक में बासु बनाऊं, आज मैं अपने प्राणों को त्यागने जा रही हूँ देवलोक में जाकर के, हे नाथ मैं तुम्हारे दर्शन किया करूंगी, और मेरे मरने का कारण क्या है ये तो शायद आप जान रहे होंगे, मेरी सौती मुझे बहुत सताए रही है मैं तो जाए रही हूँ, याद सजन तेरी आए रही है मैं तो जाए रही हूँ। गोविंद भगवान की। आज सुनीति जा रही थी, ये सोचती सोचती सामने से नारद आगे बोले, बेटी कहाँ जा रही हो? बोली, बाबा अब जीने से कोई फायदा नहीं, मरना ही चाहती हूँ। बोले, ना बेटी, जिंदगी प्रभु ने दी है तो प्रभु ही मृत्यु देगा, अपने आप जीवन को नष्ट कर देना ये जीव के लिए धर्म नहीं पाप है, आप जाओ। बोली, बाबा क्या करूं जी करके, संतान कुछ नहीं। बोले, चिंता मत करे बेटी, मैं तुझे वचन देता हूं तेरे गर्भ से एक पुत्र होगा, और ऐसा पुत्र होगा बेटी जो संसार में वेदों में जिसका नाम अमर हो जाएगा। नारद की बात पर विश्वास करके सुनीति आ गई। परमात्मा की कृपा से शिकार खेलने के लिए एक दिन राजा उत्तरपाद गए, आधी रात का समय हो गया, तो आज राजा को लौटते समय अपनी बड़ी रानी सुनीति की याद आई और सोचने लगा, राजा मेरी बड़ी रानी मुझसे एक दिन बहुत प्रेम किया करती थी और मुझे कई साल हो गए उस रानी को ठुकराए, आज तो मुझे अपनी रानी की सूरत चल करके देखनी चाहिए। आधी रात के समय में आज सुनीति के महलों में पहुंच गई, और जो सुनीति ने अपने पति को आता हुआ देखा, हाथ जोड़ करके प्रभु के चरणों में लिट गई, नाथ आज क्या बात है, आधी रात के समय तुम्हें मेरी याद कैसे आ गई? राजा ने अंक में भर लिया, देवी आज मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है, मैं बहुत बड़ा पापी हूँ जो मैंने तुम्हारा त्यागन कर दिया। रात रानी सुनीति के यहाँ पर बिताई। राजा उत्तरपाद ने सुबह होते ही सुरुचि के महलों में गए, सुरुचि की आंखों में लाल डोरे सामने खड़ी होगी, कहाँ से आए हो, रात कहाँ रहे, मुझे लगता है मेरी सोच से जाकर के मिले हो। राजा ने कहा, देवी चिंता मत करे, मैं उसके पास नहीं गया, वो तो दासी है तेरी, नहीं मानूंगी, रात तुमने उसी के पास में बताई है। राजा को क्रोध आ गया, क्या करेगी तू, क्या वो मेरी रानी नहीं है, उसके पास जाने का मेरा कोई अधिकार नहीं है, जैसे तू मेरी रानी है ऐसे वो मेरी रानी है, उसको भी मैं हक बराबर दूंगा, तू क्या करेगी बोल। और जो राजा के नैनों को देखा तो रानी कांपने लगी, उसी वक्त रानी सुनीति के गर्भ रुक गया। मेरे भगवत प्रेमियों, को समय के बाद में सुनीति के गर्भ से एक ध्रुव नाम का पुत्र हुआ और सुरुचि के गर्भ से उत्तम नाम का बेटा हुआ। धीरे 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 ये सयाने होने लगे, 5 वर्ष का ध्रुव हो गया, लेकिन रानी सुरुचि से तो प्रेम करते ही है राजा उत्तरपाद ज्यादा। आज दासी के पुत्र ध्रुव को अपने पास बुलाया, उत्तम ने कहा, भैया आज चलो खेलने चलेंगे। ध्रुव आ गया, आकर के जो उत्तम के साथ गया तो कचहरी में पहुंचा, आज उत्तम पाद ने देखा, बहुत दिनों के बाद मेरा बड़ा बेटा आ रहा है
उठा करके आज ध्रुव को जैसे गोदी में बिठाना चाहा, शिवजी ने आकर के एक थप्पड़ दिया ध्रुव के गाल पर, कहा चल तूने मेरे गर्भ से जन्म नहीं लिया, इस गद्दी पर चढ़ने का अधिकार तुझे नहीं है। शिवजी ने अपने गर्भ को सब कुछ मान लिया, भगवान को बहुत छोटा कर दिया। ये अज्ञानियों का काम है। ध्रुव रोता हुआ अपनी मैया के पास में आया और जो मैया सुनीति ने अपने बेटा को आ तो बहुत देखो आंखन में आंसू भर के बोली, बेटा मेरे तो संपूर्ण जीवन दुखन में जा रहो है, तू काहे को रो रो है। आज ध्रुव रोते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं, और जिस मैया का केवल एक पुत्र सहारा संसार में हो, पति भी साथ छोड़ गया हो, उस मैया को कितना कष्ट होगा, कितना दुख होगा। और आज आंखों में आंसू भर के बोली, बेटा मो गरीबनी के लाल, अरे बता तो कौन कन्हैया मारो रे, आज सुनीति कहने लगी, बेटा मैंने अपने संपूर्ण जीवन में कभी सुख नहीं पाया, मैंने बड़े बड़े दुखों से तुझको जन्म देकर के पाला है, मेरे पति ने मुझको ठुकरा दिया है, तू ही मेरे जीवन का एक सहारा है, बेटा बता तुझे किसने मारा। मो गरीबनी के लाल बता तो कौन कन्हैया मारो रे, मोसिया भागिनी के बेटा निकल को कहा बिगाड़ो रे, आज मैया सुनीति कहने लगी, पता पता तुझे किसने मारा है लाला, अरे तू बोलता कौन है, ध्रुव रोता जा रहा है, रोता जा रहा है, कुछ बोल नहीं पा रहा है। मैया ने कहा, बेटा मेरा हृदय फट जाएगा, बता ना तुझे किसने मारा। ध्रुव की सिल्की बन रही है, बोल नहीं पा रहा है, मैया की आंखों से आंसू के पनारे चल रहे हैं, बेटा धरती न फट जाइए पापिन दोई में जाई समाई रे, लेके कुमार कन्हैया गोद में गैया सीर कराई रे, बोले गोविंद भगवान की। आज मैया सुनीति ने कहा, बेटा बता किसने मारा तुझे, ध्रुव बोल नहीं पा रहा है, बड़ी मुश्किल से शांत किया। और ध्रुव ने कहा, मैया मैं अपने छोटे भाई उत्तम के साथ पिताजी के पास कचहरी में गया, और जैसे ही मैं पिताजी की कचहरी में पहुंचा तो पिताजी ने मुझे गोद में उठा लिया, और जैसे ही मुझे पिताजी ने गोद में उठाया, अरे बाबूलानी मोई उठाई गोद बैठा लो, हे माँ सत्य कहूंगा, सत्य के अलावा कुछ नहीं कहूंगा, मैं पिताजी की सभा में गया, मेरे पिताजी ने मुझे उठा करके गोद में बैठाना चाहा, बाबूलानी मोई उठाई गोद बैठा लो, पिताजी ने तो मुझको अपनी गोद में बैठा दिया, लेकिन वहां मेरी मौसी आ गई, मौसी ने पकड़ी बाही, हे मां मौसी ने पकड़ी बाही धकेला मारो, मौसी आज ध्रुव कहने लगे, मां पिताजी ने मुझे गोद में बेशक बिठाया, लेकिन मौसी ने आकर के मेरे थप्पड़ मारा, धक्का मार के निकाल दिया। माँ ने कहा, बेटा फिर तेरे पिताजी ने, बोले मैया केवल यही तो एक चिंता खाए जा रही है, मैं इसीलिए तो रो रहा हूँ, मुझे मौसी का थप्पड़ मारने का दुख नहीं है मैया, दुख है तो केवल एक बात का, क्या मेरी माँ तो बहनवा के कलेजा छोले हैं।
अरे मौसी को देखो मोए नाई मैया, मौसी को देखो मोए नाई बबुल नाई मुकट बोले तेरी धीरे धीरे जाय रही है, तेरी धीरे धीरे जाय रही है सोने सी काया यार, तेरी धीरे धीरे जाय रही है अरे दुनियाएं खूब रिझाय रहो है पवन, दुनियाएं खूब रिझाय रहो है तो परी जो नहीं करता तेरी धीरे धीरे बोले गोविंद भगवान। आज बेटा वो तेरे पिताजी होते तब बोलते, वो तेरे पिताजी ना धोने का फिर मेरा पिता कौन है। माने देखो कितना आत्मज्ञान कराया है 5 वर्ष के बच्चे को। बेटा तेरे पिता का नाम राम है श्याम है। बोले मेरे पिता मिलेंगे का बेटा, वन में चला जा भगवान का भजन कर, जब प्रभु का भजन करेगा तब तेरे पिताजी के दर्शन होंगे। धोने कहा है मैया मैं तो यही चिंता में लोगों को उत्तर पद मेरे पिताजी है, तेने आज मुझे बताई, अब तो मुझे आज्ञा दे दे माँ मैं भगवान का भजन जाके करूंगा, अपने पिताजी को न लेके आऊं तो मेरा नाम ध्रुव नहीं। आज मैया को छोड़ करके जो ध्रुव वन के लिए चला है, माने बहुत रोकने की कोशिश की, ध्रुव ने कहा अब नहीं रुकूंगा। हाय बेटा कह करके जो स्मृति ने पछाड़ खाई, आंखों के नेत्र से रोशनी चली गई। दौड़ा हुआ भगवान का भजन करने के लिए वन में जा रहा है और सामने से नारद मुनि आगे बोले सुन छोटे से बच्चे कहां जा रहा है। बोले भगवान का भजन करने के लिए। नारद मुनि कहने लगे लोग बूढ़े हो जाते हैं दीमक खा जाती है तपस्या करते करते, लेकिन पागल तू भगवान का भजन करने आया है। अरे कोई शेर चीता खा जाएगा भाग जा। अरे हम बीना बजाते बजाते पूरी जिंदगी निकल गई बूढ़े हो गए। बोले बाबा तुम वो ढोंगी मालूम हरे वाली, तुम्हें भगवान को दर्शन न हो। ये ध्रुव ने कहा है मुझे तुम पाखंडी नजर आ रहे हो, क्षमा करना मैं संतों की कभी अवहेलना नहीं करता हूँ, लेकिन ये कथा जैसे आ रही है वो ध्रुव ने बोला है नारद मुनि से। आप ढोंगी मालूम होते हो इसलिए भगवान का आपको दर्शन नहीं हुआ। संतों की कमी नहीं है, कमी है हम लोगों की, क्योंकि हम पहचान नहीं पाते हैं संत क्या चीज है। जो महान मूर्ति हमारी भागवत कथा में बैठी हैं, ये तो बड़े पुण्य आत्मा है हमारे, बड़े पुण्य भाग्य जो ऐसे संतों के हमको दर्शन हो रहे हैं। ऐसे महान संतों की आदर भाव बेकार कर दिया है कुछ ढोंगी संतों ने, बड़े ढोंग रचा करके डोल रहे हैं। आपको पता है कैसे संत हैं आजकल के जो ऐसे महापुरुष हैं, इनको भी बेकार कर रहे हैं वो। अब ये कह देने का दूध को जरो मठौवा फूंक फूंक के, आजकल के महात्मा कैसे। अरे डाकू बदमाश बहुत साधुन के धरे भेष, डाकू बदमाश बहुत साधुन के धरे भेष, आजकल के महात्मा हैं ऐसे, काम होता नहीं और राम लेता नहीं, गृहस्थी में खर्चा नहीं चला पा रहे, मेहनत मजदूरी करके चलो कोई बात ना कपड़ा रंग लियो, दारू पी रहे शराब पी रहे कर्जा ज्यादा हो गया, कर्जा चुकने में नहीं आ रहा, सब झंझट खत्म चलो कपड़ा रंग लियो, चोरी बदमाशी डकैती डालने लगे, पुलिस पीछा करने लगी, घर वालों ने धक्का दे दिया, कोई सहारा नहीं है, चलो कपड़ा रंग लियो। अब गई एक भेष ऐसा जो हमें सब कर्म छिप सके, डाकू बदमाश बहुत साधु के धरे भेष, कछु सिलपट कछु लंबे लटकाए केश, लोग जाने बाबा कोई बड़ो भारी दरवेश, माल मारे जाल डारे जगत को ठगी हमेश। आजकल के बाबा
ऐसे ऐसे महान संतों को मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, लेकिन पाखंडी बहुत घूम रहे हैं। सैकड़ों प्रवंचल जे मीठ मदरा मांस खाए आज के बाबा, जहां को जाए बिना टिकट गाड़ी में बैठ जाए, जो इनको दाव लगे लेके मालो भुग जाए, ऐसे ढोंगनी ते भला कैसे लोगों बच पाए। लेकिन इनकी कमी नहीं है, ये हम सब गृहस्थियों की कमी है। बाबा सामने भिक्षा के लिए दरवाजे पर आया, मैया अंदर से आई, बोली हट्टा कट्टा लोगों से पट्टा डोल लो तो भीख मांगवे कोई मिली का, अरे मेहनत मजदूरी कर। ये उल्टा शब्द हमको दुख दे जाता है, कष्ट दे जाता है। अब वो संत जो बना है वो किसी ने किसी माँ का बेटा तो है ही, लेकिन माही पुत्र को सब कुछ बना देती है। आम ग्रह स्त्री अन्य के लड़का लड़की धोखा दे की बहन काए रे कलयुग के जमाए, तन कैसे रंग जमाए कलयुग के जमाए। बोलिए गोविंद भगवान। ध्रुव ने कहा बाबा तुम मुझे ढोंगी लगते हो। नारद ने कहा ये तो कोई ज्यादा ही पक्को भक्त लगे वो भगवान को। बेटा कोई बात नहीं, भगवान का भजन करने को